हेलो फ्रेंड, मैं हरशंकर कुमार आप लोग को हरशंकर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए सुपौल होते पिपरा होते त्रिवेणीगंज होते रानीगंज तक रेलवे लाइन मिट्टी भराई कार्य चालू है। इस कार्य को आप इस वीडियो में देखेंगे और पूर्ण रूप से आप देख रहे हैं जैसे कि ट्रैक्टर लगा हुआ है और ट्रैक्टर पे जो मजदूर लेबर रहते हैं वहाँ पे कार्य चालू है। और यह अभी आप देख रहे हैं पिपरा प्रखंड के पश्चिम से आप देख रहे हैं दृश्य, जो गेहूं का खाली पड़ा खेत कुछ और गेहूं था उसमें मिट्टी भराई का कार्य चालू है। तो पिपरा से पश्चिम लगभग हर एक जगह मिट्टी भराई का कार्य चालू है। त्रिवेणीगंज से आपको पूरब अभी रोका हुआ है, जैसे ही पिपरा से पश्चिम पूर्व रूप से मिट्टी का एक तो अगर कार्य ख़त्म होता है तो त्रिवेणीगंज जदिया होते हुए आपको रानीगंज में जो मिलती है जो स्टेशन वहाँ पे, वहाँ तक यह आप लोग को मिट्टी का कार्य प्रारंभ होगा। जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं पीछे में जो देख रहे हैं वहाँ जो मजदूर काम करते हैं, जो उसे ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है वह देख रहे हैं भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हम बाद में बताएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे कैसे मिले, क्या हुआ नहीं हुआ, यह सारा वीडियो आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा हरिशंकर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो अपडेट दिया था कि यहाँ पे रेलवे के लिए आप लोग को बोर्ड जो होता है पिलर बना के जो लाइनिंग हिसाब से गलाया जाता है वह पिलर भी इससे पहले मैं वीडियो बनाया था, लगभग पूर्व 6 महीना पूर्व मैं आप लोग को अपडेट दिया था एक। लेकिन अब ये सारा अपडेट आप लोग को इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह में एक दो वीडियो मिलेगा जो रेलवे स्टेशन से संबंधित होगा। और जहाँ पे स्टेशन बनेगा वहाँ का पूर्व दृश्य मैं दिखाऊँगा अगले माह में, तत्काल आप लोग को मैं दिखाऊँगा जहाँ जहाँ मिट्टी का भराई कार्य चालू है इन सभी किसानों के, जो मजदूर हैं जिसके खेत में मिट्टी का कार्य चालू है उसको पैसा भी मिल चुका है। पैसा आपको पर जो कट्ठा होता है वो आपको जो गांव में होता है उससे 10 गुना पैसा दिया जाता है और मार्केट के लेवल पे भी 10 गुना दिया जाता है। तो ये सारा अपडेट को आप देखें किस तरह से मिट्टी लगभग काफ़ी लंबा है, ताकि आने वाले समय में अगर रेलवे लाइन के लिए 2 पटरी बिछाया जाए जिसे हम 2 लाइन कहते हैं तो दिक्कत नहीं होगा, इतना जो स्पेस जगह ले रहा है, इतना रिक्वायर ज़मीन ले रहा है ताकि आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। तो इस हिसाब से सरकार ने उस चीज़ को एक्वायर पहले से भी करके मिट्टी पूर्ण रूप से तैनात किया जाता है, पहले मिट्टी दिया जाता है फिर उस पर आपको 2 तो मिट्टी दिया जाएगा लगभग रोड के मुताबिक किया जाएगा, और उसके बाद मिट्टी दे के देख रहे हैं प्लेन किया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे पहले गिट्टी बिछाया जाएगा, गिट्टी बड़े बड़े रोड़े बिछा के फिर यहाँ पे गिट्टी बिछाया जाएगा, तब जाके ऊपर से आप लोगों को जो रेलवे लाइन का जो पटरी होता है उस पटरी को बिछाया जाएगा ताकि जो स्पीड रहता है ट्रेन के उससे दलदली ना हो और वहाँ पर ज़मीन न फटे और उस ज़मीन को कोई दरार ना आए, इसलिए पहले इसे रोलर से इसे चलाया जाएगा और पूर्ण रूप से इसे बैठाया जाएगा, इस हिसाब से बैठाया जाएगा। यह कार्य जल्दी ही आप लोग को हो जाएगा पूर्ण रूप से, प्रारंभ तो हो चुका है लेकिन अंत अररिया तक लगभग रेलवे लाइन जो रानीगंज का होता है वहाँ तक जाने में से समय 6 महीना तक लग सकता है, मिट्टी का पूर्ण रूप से कार्य भराई हो जाएगा। तो आपने इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।